आप सब ने कभी न कभी कहीं ना कहीं तो जरूर कभी सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अगर आपने कभी भी कहीं भी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुना हो तो आपको ज़रूर ये पता होना चाहिए एल क्या चीज़ है और ये किस चीज़ पर डील करता है जी हाँ एल लाइफ इंश्योरेंस को ही डील करता है और इसी का कुट का फुल फॉर्म ही लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और एल जो है कि लाइफ इंश्योरेंस के मामले में इंडिया में सबसे टॉप में आता है और ये इस्टाब्लिश हुआ था फर्स्ट सेप्टेम्बर एंड नाइनटीन को इसका हेड क्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र इंडिया पर तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे इसी एल का तरफ से एक ए पोस्ट का वैकेंसीज निकला है लगभग 1000 प्लस वैकेंसीज से इसमें और ये स्पेशली एल के बारे में जब हम इंडिया पे बात करेगा एल जो है कि जोनल वाइज में डिवाइडेड है और ये वैकेंसी से इस्पेशली आपका ईस्टर्न जोनल जोनल ऑफिस के लिए है और ईस्टर्न जोनल ऑफिस जो है कि फिर से अलग अलग डिवीज़न पे डिवाइडेड है तो आप मेरा स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे आपका नेम ऑफ द डिवीजन यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग यहाँ पे वन से लेके कर तक आपका यहाँ पे अलग अलग डिवीज़न है और अलग अलग डिवीजन पे अलग अलग नंबर्स ऑफ़ वैकेंसीज है और कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जब हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1049 वैकेंसीज इतना वैकेंसी है तो आज की इस वीडियो पे हम थोड़ा सा इसके बारे में हाईलाइट करेंगे इसका ओवरव्यू देखेंगे और बाकी सब आप बाद में खुद इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए ये पीडीएफ लगभग 21 पेजेस का है मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को ये वीडियो को अपलोड के बाद कुछ समय बाद मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा इस पी को तो अब इस पी को डाउनलोड करके मेरा टेलीग्राम चैनल से तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है इस पीडीएफ के अंदर तो आप पढ़ सकते हो उस और आप अप्लाई कर सकते हो और इसको अप्लाई करने के लिए तीन कैटेगरी के लोग चाहिए पहला अगर आप एल के अंदर पे एल एजेंट बन के काम कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो आपके लिए कुछ बेनिफिट्स भी है और दूसरा आप अगर एल के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं यानी कि एम्प्लॉय है तो आपके लिए भी कुछ बेनिफिट्स हैं तो आ, आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो और तीसरा आप और हम जैसे जो एल को कुछ एल से कुछ लेना देना है ही नहीं तो ऐसे इंसान भी अदर कैटेगरी के, के अंदर पे हम इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है और अगर हम यहाँ पे इसका डेथ ऑफ अप्लाई और लास्ट डेट वग़ैरह और एग्जाम कब होगा उसके बारे में अगर हम देखेंगे और बात करेंगे इसका फॉर्म फिलअप प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को शुरू हो चुका था और इसका लास्ट डेट है आपका टेंथ फरवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यानी कि अभी भी लगभग बहुत कुछ दिन बचा है तो इसी बीच आप क्या कर सकते हो इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो उसके बाद इसका एग्ज़ाम आपका दो पेजेस पर कंडक्ट किया जाएगा पहला जो पेजेस आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा और दूसरा जो एग्ज़ाम है वो मेन एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे एल का जो एजेंट या फिर एल के अंदर जो एम्प्लॉय है उनके लिए बेनिफिट ये है कि वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम को नहीं देगा वो सिर्फ मेन एग्ज़ाम को ही देगा और जो आप और हम जैसे लोग हैं जो एल से कुछ लेना देना नहीं है ऐसे इंसान जो है कि प्रिलिम्स एग्जाम को भी देना होगा और मेन एग्ज़ाम को भी देना होगा उसको भी आप क्लियर करते हो तो आप फिर बाद में इंटरव्यू भी देना होगा उसके बाद एग्ज़ाम कब कब होगा वो भी यहाँ पे देख सकते हो प्रीलिम्स एग्जाम आपका यहाँ पे ट्वेल्थ मार्च को है और आपका मेन एग्ज़ाम जो है कि एथ अप्रैल को है तो इसको आप एक टारगेट सेट करके आप क्या कर सकते हो तैयारी भी कर सकते हो आराम से और अगर हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करेगा तो आप जो बैचलर डिग्री होना है कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अब अगर ग्रेजुएट हो तो है आप कौन से स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करते हो वो मेतर नहीं करता मैटर ये करता है आप ग्रेजुएट होना है और एज लिमिट का जब हम बात करेगा तो आपको मिनिमम ट्वेंटी वन ईयर्स होना है ट्वेंटी वन ईयर्स से बिलो नहीं होना है और मैक्सिमम आपका टर्टी ईयर्स होना है और कुछ एज रिलैक्सेशन या फिर अपर एज लिमिट कुछ यहाँ पे मैंसन है तो आप अपना हिसाब से अपना कैटेगरी का हिसाब से आप कौन सा कैटेगरी पे फॉल करता है उसको देख के यहाँ पे आप देख सकते हो और अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो और आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें आपका तीन सेक्शन रहेगा जिस जिस पर आपको रीजनिंग एबिलिटी से पूछा जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा जाएगा लगभग यहाँ पे सौ क्वेश्चन और सेवेंटी मार्क्स का आपको आएगा उसके बाद सेकेंड पेज वाला एग्जाम मेन एग्जाम का जब हम बात करेगा मेन एग्जाम में आपको यहाँ पर अगर आप एल uh, आई से कुछ लेना देना नहीं है तो आपका थोड़ा सा चेंजेस होगा इस से, सिलेबस से, हम मान के चल सकता है सिलेबस पे जैसे कि ये जो सेक्शन uh, ए ए या वन और सेक्शन बी या टू का सबका सेम होगा चाहे आप एल एजेंट हो या एल में एम्प्लॉयड हो या फिर आप मेरा जैसे हो जो एल से कुछ लेना देना नहीं है तो सेक्शन वन एंड टू जो सेम होगा लेकिन थ्री जो चेंजेस होगा तो यहाँ पे क्या है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग एवेयरनेस ये किसके लिए बोलने से उन लोगों के लिए जो एल से कुछ लेना देना नहीं है ठीक है और दूसरा जो है कि आपका एल एजेंट अगर आप एल एजेंट हो तो आपके लिए ये है तो ये सेक्शन वन एंड टू जो सबका सेम होगा लेकिन थ्री में आपका क्या है एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस ये चेंजेस आएगा और तीसरा जो आपका एल आई के लिए यहाँ पे फिर से आपको सेम वन एंड टू जो सेम होगा लेकिन ट्री में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मार्केटिंग ये सब जैसा नज़र आएगा उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा और आप चिंता मत करो इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा उसके थ्रू भी आप जाके अप्लाई भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे पीडीएफ को जब टेलीग्राम से आप मेरा टेलीग्राम से डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पे पीडीएफ जब ओपन करेगा तो यहाँ जो लिंक है उसमें लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करने से भी आपका आराम से आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे अप्लाई करना है ठीक है उसके बाद आप नीचे पे देर सारे यहाँ पे दिया है उसको आप पढ़ लीजिए सब कुछ में अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना देने लगूँगा तो ये वीडियो ज़्यादा ही कुछ लंबा हो जाएगा ठीक है तो आप बाकी बात आप कुछ से इसको पढ़ लीजिए और समझिए उसके बाद हर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है तो आप ज़रूर से अप्लाई कर लेना है तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई उसमें यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है प्रोसीजर्स से तो वो सबको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है अच्छा से तो यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर वगैरह भी आप यहाँ देख सकते हो आपका पासपोर्टो आपका सिग्नेचर और आपका लेफ्ट थाम इम्प्रेशन उसके बाद आपका हैंड रिटिन डिक्लेरेशन तो हैंड रिटिन डिक्लेरेशन आपको ये वाला को लिखना है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है इसको आपको लिखना है और इसको भी आपको अपलोड करना है तो यहाँ पे आई करके फिर अपना नाम लिखना है फिर हियर वे डिक्लेयर डेट ऑल ब्लै ब इसको आपको क्या करना है लिख के फोटो क्लिक करके इसको भी अपलोड करना है इतना ही बस आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए होगा और बाकी इतना नहीं चाहिए तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको देना ही है तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स दे रखा है तो आप पढ़ लीजिए उसके बाद आपका जब हम फी का बात करेगा चार्जेस वगैरह के फॉर्म का फ़ी या एग्जाम फ़ी बोल सकते हैं तो एस सी के लिए आपको यहाँ पे हंड्रेड रुपीज़ है और आपका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस वग़ैरह कुछ अलग से लेता है तो आपको वन टू टू रुपीज़ समथिंग कटेगा तो एक्स्ट्रा से कटेगा तो एक्चुअल चार्जेस हंड्रेड है ठीक है फिर अदर देन एस सी का क्या है सेवन फिफ्टी है और अलग से ट्रांजेक्शन चार्जेस कट सकता है कटता है बोलने से आपका वन टू टू रुपीज़ का एक्स्ट्रा होगा और नहीं कटते तो कोई बात नहीं जितना मैंशन है उतना ही आपको कता जाएगा ठीक है तो यहाँ पूरा डिटेल्स आपको मेंशन दे और फोटोग्राफ भी कैसे कैसे होना है इमेज वगैरह और कितना डायमेंशन होना है और कितना आ, क्या क्या है वो सारा चीज़ यहाँ पे फिक्सल वगैरह को मेंशन दे कौन सा फॉर्मेट में चाहिए वो सब मेंशन दे तो इसको आप देख लीजिए ठीक है तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में भी क्या क्या होना है कैपिटल लेटर होना है कि नहीं और कितना में कितना होना है ये सब आपको यहाँ पे मेंशन थे तो वो सारा चीज़ आप यहाँ पे पढ़ लीजिए ठीक है ये लगभग ट्वेंटी वन पेजेस का है तो इसको मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊँगा ठीक है उसके बाद अभी लास्ट में आप सभी को ये पूछूँगा आपको ये एल के आपको ये एल के बारे में और डिटेल्स चाहिए कि नहीं अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर से कमेंट कीजिए तो मैं इस एल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो या इसके ऊपर एक सीरीज शुरू करेंगे जहाँ पर हम एल के बारे में डिटेल में जानेंगे और इसका हिस्ट्री जानेंगे इसका बैकग्राउंड जानेंगे और इसका प्रेजेंट सिचुएशन जानेंगे और यहाँ पे कैसे कैसे करके मीन्स की लोग पॉलिसी खरीदते हैं और क्या क्या पॉलिसी लेता है कहाँ से लेता है क्यों लेता है ये सारा चीज़ के ऊपर भी हम एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बना सकता है ठीक है तो अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए होने से तो आप जरूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भर दीजिए तो जितना कमेंट आएगा उसका हिसाब से मैं क्या करूँगा कि एक वीडियो सीरीज ही शुरू कर दूँगा जहाँ पे पूरा एल के बारे में बात करूंगा एल के अंदर जितना पॉलिसी है उसको कैसे खरीदा जाता है और कैसे बेचा जाता है उन सारा चीज़ के ऊपर में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा ठीक है तो एल के बारे में भी जानना चाहिए और आप ऑलरेडी जानता है तो ठीक है अगर नहीं जानता है तो जानने के लिए आप नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए